हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद, आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स कॉम्पिटिशन। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आप लोगों को एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाती है। मतलब ये कि यहाँ कभी ऐसा नहीं होता कि आपको किसी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का कुछ कंटेंट एक्सेस करने के लिए मिले और उसके बाद में आपसे ये बोला जाए कि भाई बचा हुआ कंटेंट देखने के लिए या तो आपको किसी तरीके की कोई फीस देना पड़ेगी या कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ऐसा मैग्नेट ब्रेन्स पर नहीं होता। मैग्नेट ब्रेन्स प्रतिबद्ध है आप लोगों तक सारा का सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आने के लिए, जिसकी मदद से आप लोग अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन एक वेल गाइडेड मैनर में कर सकें, स्मार्ट एफर्ट्स के साथ में कर सकें और कंफर्टेबली आप लोग अपने एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकें, अच्छे अच्छे पदों पर पहुंचें, समाज में आपका एक मान सम्मान हो, एक प्रतिष्ठा हो एंड जिन पोस्ट पर आप जाएं उन पर काम करते हुए, उन पर वर्क करते हुए आप देश की तरक्की और उन्नति में अपना एक योगदान दे सकें, अपना एक कंट्रीब्यूशन दे सकें। यही मैग्नेट ब्रेन्स का ध्येय है और इसी को ध्यान में रखकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं एंड इसी नोट पे हम अपने आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। सो लास्ट सेशन में हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था जनरल स्टडीज में इंडियन पॉलिटी का तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सिटीजनशिप। हम लोगों ने इसके दो एस्पेक्ट्स या दो बातें देख ली थी। पहला एस्पेक्ट हमने जो देख लिया था सिटीजनशिप का मीनिंग क्या होता है और दूसरी चीज़ हम लोगों ने ये देख ली थी कि सिटीजनशिप जो है उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। अगर आप नागरिक हैं एक देश के तो उसका क्या सेंस बनता है और अगर आप नागरिक नहीं है तो उसका क्या मतलब बनता है। और किसी देश में एक वक्त में जो लोग रहते हैं उन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एक आपके सिटीजन्स होते हैं दूसरे एलियंस होते हैं, एलियंस फिर दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं फ्रेंडली एलियन एंड एनिमी एलियन। ये सारी की सारी बातचीत हम लोगों ने कर ली थी। आज उसके आगे हम लोग अपने डिस्कशन वगैरह को लेकर जाएंगे और आज हम लोग भारत के संविधान में नागरिकता को लेकर किस तरीके के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस वगैरह किए गए हैं उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। भारत का संविधान भारत की नागरिकता के रिस्पेक्ट में क्या कहता है क्या नहीं कहता, इन सारी की सारी बातचीतों को हमको आज के सेशन में देखना है। तो इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है और सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे रेलेवेंट सेक्शंस में से एक है। भारत के संविधान में भारत के सिटीजन्स की नागरिकता को लेकर क्या क्या बातें या क्या क्या प्रावधान किए गए हैं इसमें से और सिटीजनशिप एक्ट 1955, ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से भर भर कर सवाल पूछे जाते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पूरा इंटायरिटी में कवर करेंगे, एक एक एस्पेक्ट को देखेंगे। किसी भी तरीके का कोई डाउट मैं अपनी तरफ से पूरी इंश्योरिटी देता हूँ कि आपको नहीं रहेगा, बस आपने इसको सिंसियरली देखना है, दो एक बार अच्छे से रिवाइज करना है एंड देन इसमें से फिर किसी भी तरीके के क्वेश्चंस वगैरह आए आई कैन गारंटी आपसे करते बनेगा। चलें इसी नोट पे शुरू करते हैं जनरल स्टडीज, उसमें इंडियन पॉलिटी सिटीजनशिप हमारा टॉपिक चल रहा है और आज की जो थीम रहने वाली है वो रहेगी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। चलें देखते हैं इसे। तो हमें बात करनी है आज के सेशन में कि भारत के संविधान में सिटीजनशिप के रिस्पेक्ट में किस तरीके के प्रावधान किए गए हैं या फिर यूं बोलना चाहिए कि सिटीजनशिप के रिस्पेक्ट में भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस किए गए हम लोग उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप को डिस्कस कहाँ पे किया गया है या फिर किस इलाके में भारत की या भारत के संविधान के किस पार्ट में जो है सिटीजनशिप का जिक्र आपको देखने के लिए मिलता है। जवाब है पार्ट टू में जो है आपको इसका जिक्र देखने के लिए मिलता है। इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट वन में आपको क्या देखने के लिए मिलता है, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट वन में आपको यूनियन और टेरिटरीज के बारे में बातचीत देखने के लिए मिलती है जो हम लोगों ने डिटेल में पूरी कर खत्म कर ली। इसी तरीके से पार्ट टू जो है उसमें आपको क्या देखने को मिलता है, भारत के संविधान के पार्ट टू में भारत के नागरिकों की नागरिकता या सिटीजनशिप जो है भारत के जो नागरिकता के प्रावधान वगैरह हैं उसका जिक्र आपको देखने के लिए मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है याद रखिएगा, सिटीजनशिप जो है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के किस हिस्से में डिस्कस की गई है, पार्ट टू में डिस्कस की गई है। घुमा के बोल सकता हूं पार्ट टू में आपको क्या चीजें देखने के लिए मिलती हैं, तो इसका जवाब है कि पार्ट टू में आपको सिटीजनशिप या नागरिकता से रिलेटेड प्रावधान देखने को मिलते हैं। कौन से लेके कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11, आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 कहां पे रखे गए हैं, पार्ट 1 में रखे गए। उसमें क्या क्या है, आर्टिकल 1 में आपको भारत का नाम और यूनियन ऑफ स्टेट उसको बोला जाता है उसके बारे में देखने को मिलता है। आर्टिकल 2 में पार्लियामेंट के पास में जो पावर्स वगैरह हैं आपका स्टेट्स वगैरह के फॉर्मेशन की, आपका आर्टिकल 2 हो गया, आर्टिकल 3 हो गया, उसमें आपको उसका जिक्र देखने को मिलता है। आर्टिकल 4 जो है वो भी आपके इन्हीं सारी पावर्स वगैरह से रिलेटेड है। आर्टिकल और ये सारी की सारी बातचीत आपका पार्ट 1 में जो है समेट कर रख दी गई थी। अब आपको आर्टिकल 5 जो है उससे लेके आर्टिकल 11 तक की जो भी बातचीत है वो देखने को मिलती है पार्ट नंबर 2 में। और इसमें क्या
बातचीत की गई है, इसमें बातचीत की गई है नागरिकता के बारे में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट एक सवाल बनता है यहाँ से, पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है, पूछा जाएगा भी आगे, तो ध्यान रखना है। भारत का संविधान, भारत की ये जो सिटीजनशिप वगैरह से रिलेटेड प्रोविजन वगैरह है, इनको कौन से पार्ट में डील करता है? ये इनको डील करता है पार्ट टू में। कई लोग इसको पार्ट 11 ना पढ़ लें, रोमन में जनरली लिखा जाता है तो इसी तरह से लिखा जाता है। कई लोग ऊपर इस तरह से आपका ये ऊपर और नीचे से बंद कर देते हैं, कई लोग नहीं करते, तो उसको 11 मत पढ़िएगा, पार्ट टू है। भारत के संविधान ने सिटीजनशिप को पार्ट टू में आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक के बीच में डिस्कस किया है, याद रखिएगा इस चीज को। हालांकि अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात निकल कर आती है, इट कंटेन्स नीदर एनी परमानेंट नॉर एनी इलाबोरेट प्रोविजंस इन दिस रिगार्ड। नागरिकता के बारे में आपने प्रोविजंस वगैरह डाले हैं आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 में पार्ट 2 में, वो बात तो समझ में आती है, मगर ना तो ये प्रोविजंस वगैरह परमानेंट है और ना इनमें बहुत डिटेल में किसी भी तरीके से कोई बातचीत की गई है, यानी कि नागरिकता क्या है, नागरिकता कैसे ली जा सकती है वगैरह वगैरह, इन सारी चीजों के बारे में ना तो आपने कोई परमानेंट बात की है कि इसी तरीके से जो है आपको काम करना है, ना आपने इसमें कोई इस तरीके की बात की है कि डिटेल में आपने सब कुछ बताया है नागरिकता से रिलेटेड। आपने बहुत जनरल जनरल बातचीत जो है करी है। आपको आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 में जो है जो चीजें देखने को मिलती हैं वो क्या क्या है। इट ओनली आइडेंटिफाइज द पर्सन हु बिकेम सिटीजन ऑफ इंडिया एट इट्स कमेंसमेंट। इट डज नॉट डील विद प्रॉब्लम्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ लॉस ऑफ सिटीजनशिप सब्सिक्वेंट टू इट्स कमेंसमेंट। तो भारत का जो संविधान है ना तो उसमें कोई डिटेल या फिर ना कोई बहुत एलाबोरेट प्रोविजंस आपको सिटीजनशिप के रिस्पेक्ट में देखने के लिए मिलते हैं। इसमें मोर और लेस मोटा मोटी एक ही चीज के ऊपर डील किया गया है, या मोटा मोटी इसमें क्या बात की गई है भारत के संविधान में, या आर्टिकल 5 से लेकर 11 में आपने क्या क्या बात की है। तो सबसे पहली बात जो आपने की है, जब भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जब यह कमेंस हुआ है, जब यह लागू हुआ है, तब कौन लोग भारत के नागरिक बन गए? इसने सिर्फ उन्हीं लोगों को आइडेंटिफाई किया। इंपॉर्टेंट है, इट ओनली आइडेंटिफाइज द पर्सन हु बिकेम सिटीजन ऑफ इंडिया एट इट्स कमेंसमेंट। जब भारत का संविधान लागू हुआ तब भारत का संविधान लागू होने के बाद में कौन कौन लोग जो हैं भारत के नागरिक बने हैं उस दिन, जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ है, ये भारत का संविधान आइडेंटिफाई करता है। अब आपको अगर नागरिकता लेनी है या फिर आपकी नागरिकता चली गई या किस तरह से जा सकती है, इन सारी चीजों के बारे में भारत का संविधान कुछ नहीं बोलता, वो पूरी तरीके से खामोश है। ठीक है जी, इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान से सुनिएगा। आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 में आपने नागरिकता के बारे में बातचीत करी, मजे की बात यह है कि ना आपने कोई डिटेल में बातचीत करी है, ना कोई परमानेंट प्रोविजन वगैरह की है। आपने सिर्फ उन लोगों को आइडेंटिफाई किया है जब आपका संविधान लागू हुआ था उसमें भारत के नागरिक बन गए उस दिन, या 26 जनवरी 1950 या उसके बाद से भारत के नागरिक बन गए। ना आपने इस बारे में कोई बातचीत करी है कि भारत के का नागरिक कोई कैसे बन सकता है, ना आपने ये बात करी है कि भारत के किसी नागरिक से उसकी नागरिकता कैसे छीनी जा सकती है, वो कैसे उसकी नागरिकता खो सकता है। इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ वगैरह जो है, आपका संविधान लागू होने के बाद में इस तरीके की समस्याएं वगैरह अगर आएंगी तो इससे रिलेटेड कोई बातचीत आपने नहीं करी। अब अगला सवाल उठता है, नहीं करी मगर पॉइंट ये है कि ये चीज़ें तो होती हैं। हर साल लाखों लोग जो हैं भारत में शरणार्थी बनकर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, कई सारे परेशानियों के कारण भी आते हैं, कई लोग उसमें से नागरिकता वगैरह जो है उसको उसके लिए अप्लाई भी करते हैं। कई सारे लोग जो हैं लाखों की संख्या में हैं वो आपका भारत के लोग हैं मगर वो जाके दूसरे देशों में बस जाते हैं और भारत की नागरिकता छोड़ देते हैं। तो चाहे आपका एक्विजिशन की प्रॉब्लम हो, नागरिकता लेने की बात हो, चाहे नागरिकता छोड़ने की बात हो, इस तरीके की चीज़ें तो रोज़ रोज़ हो रही हैं। अब ये प्रॉब्लम वगैरह से रिलेटेड अगर प्रावधान संविधान में नहीं दिए गए हैं तो फिर हम लोग क्या करें, हम लोग इनके बारे में आखिर अब ये समस्याएं आएंगी तो फिर इसका क्या किया जाए? तो इसका भी जवाब जो है संविधान ने दिया है। संविधान ने बेसिकली किया ये, उन्होंने पार्लियामेंट को, भारत के संविधान ने भारत की संसद को जो है एम्पावर कर दिया है कि यार ये जितने भी मसले आते हैं सिटीजनशिप से रिलेटेड, चाहे किसी को देनी हो, चाहे किसी की छीननी हो, किसी को अपनी छोड़नी हो, जितने भी मैटर वगैरह आते हैं यार, तुम एक काम करो, तुम्हें पावर है, तुम इसके लिए कानून बना लो। ये मैटर जितने भी सिटीजनशिप से रिलेटेड वगैरह है, भारत की संसद को पूरा अधिकार है, पूरा हक है, वो जैसा चाहे वैसा कानून वगैरह बना ले, हम अपनी तरफ से परमिशन दे रहे हैं। अकॉर्डिंगली भारत के संविधान ने, क्योंकि भारत की पार्लियामेंट को एम्पावर किया हुआ है कि जैसा मन कर रहा है नागरिकता से रिलेटेड जो भी समस्याएं आती हैं इसका कानून बना लो, अकॉर्डिंगली भारत की संसद ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 को इनैक्ट किया है और इसको वक्त वक्त पर अमेंड भी किया जाता रहता है। इसमें वक्त वक्त
पे नए नए प्रावधान जोड़े भी जाते रहते हैं। तो इसके चलते आज की तारीख में नागरिकता से रिलेटेड जो भी सारी की सारी चीजें हैं जिनसे मोर और लेस हमारा काम पड़ता है वो हमको सिटीजनशिप एक्ट 1955 में देखने के लिए मिलती है। और ये इस टॉपिक का सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है, यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन वगैरह जो है बनते हैं। तो याद रखनी है सारी की सारी चीजें कि भारत के संविधान में आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक पार्ट 2 में संविधान ने नागरिकता से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस वगैरह उसकी बात की है। मजे की बात यह है कि ना परमानेंट प्रोविजंस डाले हैं ना कोई इलाबोरेट बातचीत करी है, सिर्फ यह बता दिया है जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ है उस दिन और उसके बाद में कौन लोग जो है भारत के नागरिक बनेंगे, एक इतना, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब यहाँ पर जो दूसरी समस्या है नागरिकता से रिलेटेड है, लॉस की, एक्विजिशन की, इस सब को लेके ये क्या बोल दिया है, इसको बोल दिया है संसद, इसको लेके संसद को एम्पावर कर दिया है कि यार तुम्हें जैसा कानून बनाना है इसके रिस्पेक्ट में वैसा बना लो, हमें कोई दिक्कत वगैरह नहीं है। एंड अकॉर्डिंगली अब क्योंकि पार्लियामेंट को एम्पावर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा किया गया है सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी कानून वगैरह बनाने के लिए, तो अकॉर्डिंगली आपकी पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 पास कर दिया है और इसको वक्त वक्त पर अमेंड किया जाता है वक्त और जरूरत और सहूलियात के हिसाब से। और ये जो है आज की तारीख में कहीं ना कहीं सिटीजनशिप से रिलेटेड मैटर्स वगैरह को डील करती है। इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें बहुत सवाल बनते हैं। और सिटीजनशिप एक्ट वगैरह का जो आपका पूरा कंट्रोवर्सी वगैरह हुई थी उसका भी इसी एक्ट से लेना देना है, तो वो भी हम लोग देखेंगे, मगर वो सब बात की बात है। फिलहाल संविधान में आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 में लिखा क्या गया है या फिर उसमें क्या प्रावधान डाले गए थोड़ा सा उसके बारे में बातचीत करते हैं, देखते हैं सर। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द फॉलोइंग 4 कैटेगरीज ऑफ पर्सन बिकेम सिटीजन्स ऑफ इंडिया एट इट्स कमेंसमेंट दैट इज 26 जनवरी 1950। मतलब ये कि भारत का संविधान ये कहता है जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था उस दिन 4 कैटेगरी के लोग जो थे वो भारत के नागरिक बन गए। कौन कौन सी कैटेगरी के लोग थे उनके बारे में बातचीत करेंगे, मगर उसके पहले एक दो टर्म्स का मतलब समझना थोड़ा सा जरूरी है। सबसे पहला टर्म जिसका मतलब अपने को समझना जरूरी है वो है डोमिसाइल, और दूसरा टर्म जिसका मतलब समझना जरूरी है वो है ऑर्डिनरीली रेसिडेंट या ऑर्डिनरी रेसिडेंट। डोमिसाइल का मतलब होता है अगर आप किसी जगह पर परमानेंटली रह रहे हैं तो वो आपका डोमिसाइल कहलाता है, या फिर किसी जगह पर अगर आपकी परमानेंट रेसिडेंटशिप है तो वो आपका डोमिसाइल कहलाता है। जैसे अगर हम लोग देश के रिस्पेक्ट में बात करें तो हम सबके सब इंडियंस हैं, तो हमारा डोमिसाइल क्या हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा। और इंडिया में भी अलग अलग स्टेट्स की बात कर लें तो जिस जिस स्टेट में हम लोग परमानेंटली रहते हैं वो हमारा डोमिसाइल हो जाएगा, और उसमें भी फिर वो जिला जहां पर हम लोग परमानेंटली रहते हैं वो हमारा डोमिसाइल हो जाएगा। तो आप जो हैं डोमिसाइल का मतलब अगर ब्रॉड आपको समझना हो, किसी जगह अगर आपकी परमानेंट रेसिडेंटशिप है तो वो आपका डोमिसाइल कहलाता है। इसी तरह से ऑर्डिनरी रेसिडेंट का मतलब होता है अगर आप किसी एक जगह पर एक सर्टेन टाइम पीरियड से रह रहे हो, भले ही आपके पास में उस जगह की नागरिकता हो या ना हो, तो वो आप वहाँ के ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर सपोज कर लें कोई लड़का है उसको वो अमेरिका में जॉब करने गया है, वो इंडियन मगर वो अमेरिका में जॉब करने गया आपका वर्किंग वीजा पर, और वहां पर वो लेट से 2-3 साल 4 साल से काम कर रहा है, तो वहां पे वो आप उनकी ऑर्डिनरी रेसिडेंट का जो भी टाइम पीरियड होता हो कि भाई इतने वक्त से अगर तक लगातार आपके देश में कोई रह रहा है 100 दिन 200 दिन, तो आप उसे ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोलते होगे, जो भी उनके टर्म्स एंड कंडीशंस रहती हो। मगर लेट से 3-4-5 साल से अगर वो बंदा काम कर रहा है, वो ना अमेरिका का नागरिक है और ना वो अमेरिका का नागरिक तो है नहीं, वो तो इंडियन नागरिक है, मगर वो लेट्स से अगर अमेरिका में ये नियम है कि 6 महीने से ज़्यादा लगातार अगर कोई उनके यहाँ रह रहा है तो वो उनका ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगा या ऑर्डिनरीली वहाँ पे रेसिडेंट माना जाएगा, तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो गया वहाँ का, वो नागरिक नहीं है मगर वहाँ पे रह रहा है और काम कर रहा है। या इसी तरीके से अगर कोई बंदा किसी एक जगह पे लेट से रह रहा है एक सर्टेन टाइम पीरियड से, भले वो उस जगह का नागरिक हो या ना हो, तो वो आपका ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाता है। लेट्स से कि आपका इंडिया में अब कई सारे देशों के राजदूत आके रहते हैं, कई लोगों का टेनर 2-3-4-4-5-5 साल का होता है, तो अब अगर कोई एक देश का राजदूत है वो हिंदुस्तान में 5 साल से रह के अपनी सेवाएं दे रहा है, भले ही वो 5 साल से इंडिया में रह रहा है मगर वो इंडियन नहीं है, मगर वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट जो है इंडिया का माना जाएगा। इसी तरीके से कोई और व्यक्ति हो गया, जैसे कोई इंडिया में वर्किंग वीजा पर आके काम कर रहा है, कोई विदेशी अगर वो बॉलीवुड में आ गया हिंदी फिल्मों वगैरह में या फिर साउथ की तरफ चला गया, साउथ में जो आपकी फिल्म इंडस्ट्रीज है वहां पे काम कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, अब उसे रहते हुए 2-3 साल हो गए, वो हिंदुस्तानी तो नहीं है मगर वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट जो है मान लिया जाएगा। एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है कि आप इतने दिनों से अगर लगातार रह रहे हो तो आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट काउंट किए जाते हो, बट वो दिन विन में अपन नहीं जाते, मगर एक सर्टेन टाइम पीरियड से अगर आप रह रहे हैं तो आपको ऑर्डिनरी रेसिडेंट माना जाता है, भले आप नागरिक हो या ना हो, ठीक है जी। तो उसको याद रखना है। अब ये दो टर्म्स डोमिसाइल और ऑर्डिनरी रेसिडेंट बार बार इस्तेमाल होंगे तो उनका मतलब क्लियर होना चाहिए। डोमिसाइल का मतलब परमानेंट रेसिडेंटशिप होता है, और यानी कि आपका जिस जगह की आपकी परमानेंट रेसिडेंटशिप है, और दूसरा परमानेंट रिहाइश है, और दूसरा ऑर्डिनरी रेसिडेंट या ऑर्डिनरीली रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, एक जगह पर अगर आप एक सर्टेन टाइम पीरियड से रह रहे हो भले नागरिक हो या ना हो तो वो आपको ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाता है। अब हम लोग ये देखना शुरू करेंगे कि कौन सी कैटेगरी के लोग जो थे वो भारत के नागरिक बने थे जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। चले अब देखते हैं सर।
तो भारत का संविधान ये बोलता है, जिस दिन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, चार कैटेगरी के लोग इंडिया के सिटीजन बने थे। कौन कौन से लोग? पहले, अ पर्सन हु हैज हिज डोमिसाइल इन इंडिया एंड ऑल्सो फुलफिल्ड एनी ऑफ द थ्री कंडीशंस, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका हिंदुस्तान में डोमिसाइल था, यानी कि इंडिया में परमानेंट रेसिडेंटशिप थी एक चीज, और उसके साथ साथ वो तीन में से कोई एक शर्त को पूरी कर रहा था। पहली वाली, इफ ही वॉज बॉर्न इन इंडिया और इफ इधर ऑफ हिज पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन इंडिया, मतलब 26 जनवरी 1950 को वो व्यक्ति हिंदुस्तान का नागरिक बन गया जिसका हिंदुस्तान में डोमिसाइल था, प्लस या तो वो खुद हिंदुस्तान में पैदा हुआ था या उसके दोनों माता पिता में से कम कोई एक अगर हिंदुस्तान में पैदा हुआ हो, तो फिर वो ऑटोमेटिकली हिंदुस्तानी बन गया जिस दिन आपका, या फिर इंडियन सिटीजन बन गया जिस दिन आपका कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, उस दिन वो हिंदुस्तान का नागरिक बन गया। अगर ये शर्त पूरी नहीं करता है, यानी कि या तो खुद हिंदुस्तान में पैदा हुआ या फिर उसके माता पिता में से कोई एक पूरा माता पिता में से कोई एक पैदा हुआ, अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी नहीं करता, तो तीसरी थी, इफ ही हैज बीन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 5 years इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिकेम अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब ये कि वो बंदा जो हिंदुस्तान का जिस दिन संविधान लागू हुआ है उस दिन उसका यहां पे डोमिसाइल है, पहली चीज। दूसरा ये कि कम से कम 5 साल से हिंदुस्तान में ऑर्डिनरीली वो रिसाइड कर रहा था संविधान लागू होने के पहले। संविधान लागू हुआ 1950 में, तो 1945 से कम से कम 1949 1950 तक अगर वो हिंदुस्तान में रह रहा हो, प्लस जिस दिन आपका संविधान लागू हुआ है उस दिन उसके पास में अगर डोमिसाइल हो, तब जो है वो अपना तब वो जो है भारत का नागरिक बन गया, भारत का सिटीजन बन गया ऑटोमेटिकली। थोड़ा सा पेचीदा है मगर उसको समझना जरूरी है। फिर से देखिए, 26 जनवरी 1950 को हिंदुस्तान का संविधान लागू हो गया। अब उस दिन अगर मैं हिंदुस्तान में रह रहा हूं और मेरा डोमिसाइल हिंदुस्तान में, डोमिसाइल क्या, मैंने आपको समझा दिया, परमानेंट रेसिडेंटशिप को बोलते हैं। तो एक चीज तो ये कि अगर मैं हिंदुस्तान में रह रहा हूं 26 जनवरी 1950 को इंडिया में मौजूद हूं, मेरा डोमिसाइल इंडिया का है, एंड या तो मेरा जन्म हिंदुस्तान में हुआ था या फिर मेरे माता पिता में से किसी एक का जन्म अगर हिंदुस्तान में हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को ऑटोमेटिकली मैं एक इंडियन सिटीजन बन गया, पहली चीज। या फिर जिस दिन दोनों में से कोई भी कंडीशन की मेरा खुद का जन्म हुआ हो या फिर मेरे माता पिता में से कोई एक जन्मे हो प्लस मेरा डोमिसाइल अगर यहां पर है, इतना शर्त अगर पूरी हो रही है तो मैं नागरिक बन गया हिंदुस्तान का, या फिर मेरा डोमिसाइल इंडिया का था प्लस मैं कम से कम 5 साल से इंडिया में ऑर्डिनरीली रेसाइड कर रहा हूं संविधान लागू होने के पहले। संविधान लागू हुआ 1950 में, 1945 से 1949 तक अगर मैं यहां पे कम से कम रह रहा हूं, 1950 में संविधान आया, 45, 46, 47, 48, 49, 5 साल आपके जो है मैं यहां पे रह रहा हूं, कम से कम 5 साल, उससे पहले से भी रह रहा हूं डजंट मैटर, मगर जिस दिन संविधान लागू हुआ है उस दिन एक तो मेरा डोमिसाइल यहां पर था, भले ही मेरा जन्म हिंदुस्तान में हुआ हो या ना हुआ, भले मेरे माता पिता का जन्म हुआ हो ना हुआ, मगर अगर मैं कम से कम 5 साल से लगातार हिंदुस्तान में संविधान लागू होने के पहले से रह रहा था, तो मैं इंडिया का नागरिक ऑटोमेटिकली बन गया। तीन में से कोई भी एक शर्त अगर आप पूरी कर रहे हो डोमिसाइल के साथ में, तो याद रखना है, फिर से बता रहा हूं, यहां से सवाल बनता है, 26 जनवरी 1950 जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ, हिंदुस्तान का हर वो लड़का जिसके पास में डोमिसाइल था, लड़के से मेरा मतलब हर वो शख्स या इंसान जो हिंदुस्तान जिसके पास में इंडिया का डोमिसाइल था, साथ ही साथ या तो वो खुद हिंदुस्तान में पैदा हुआ हो तो वो नागरिक बन गया, पहला, वो हर वो इंसान हर वो शख्स जो इंडिया का जिसके पास इंडिया का डोमिसाइल था 26 जनवरी 1950 को, प्लस खुद अगर पैदा ना भी हुआ हो तो उसके अगर माता पिता में से कोई एक भी अगर पैदा हुआ तो वो भी नागरिक बन गया, दूसरा। तीसरा, हर वो इंसान जो जिसके पास इंडिया का डोमिसाइल था मगर ना तो वो खुद हिंदुस्तान में पैदा हुआ था ना उसके माता पिता हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, मगर अगर वो कम से कम 5 साल से संविधान लागू होने के पहले के जो इमीडिएट 5 साल गए थे उनसे ऑर्डिनरीली इंडिया में रेसाइड कर रहा था, तो वो भी नागरिक बन गया। तो पहली कैटेगरी के लोग ये हो गए। अगला देखते हैं, दूसरा, अ पर्सन हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान बिकेम सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही और इधर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वर बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया एंड ऑल्सो फुलफिल्ड एनी ऑफ द टू कंडीशंस। अब वो व्यक्ति जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर हिंदुस्तान आए, जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ और उसके बाद में, उस वक्त तो बांग्लादेश भी नहीं था, उस वक्त तो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, तो चाहे वेस्ट पाकिस्तान से इंडिया आए हूँ चाहे ईस्ट पाकिस्तान से इंडिया आए हूँ, मगर वो हर वो व्यक्ति जो पाकिस्तान से माइग्रेट कर इंडिया में आया था और वो इंडिया का नागरिक बन गया, अगर इफ ही और इधर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वर बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। अब या तो अगर वो खुद अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ हो या उसके माता पिता में से कोई एक या दोनों अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हो या फिर उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उनमें से भी अगर कोई एक या दोनों अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हो, तब वो भी हिंदुस्तान का नागरिक बन गया अगर वो इन दो में से कोई एक शर्त पूरी करता है। वो दोनों शर्तें क्या है वो हम लोग देखेंगे, मगर फिर से इस लाइन को पढ़ लेते हैं। हिंदुस्तान में माइग्रेट
होकर पाकिस्तान से माइग्रेट होकर इंडिया आया, पाकिस्तान से माइग्रेट होकर इंडिया में आया हर वो शख्स हिंदुस्तान का नागरिक 26 जनवरी 1950 को बन गया, जिसका या तो खुद का जन्म आपका अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ हो, यानी कि पार्टीशन के पहले जो इंडिया और पाकिस्तान सब एक हुआ करता था, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश, उस पूरी टेरिटरी में से अगर टेरिटरी में कहीं पर उसका जन्म हुआ हो या वो लोग नागरिक बन गए, या तो उसके माता पिता जो हैं दोनों का या दोनों में से किसी एक का जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ हो, या फिर अगर वो भी नहीं तो उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनमें से किसी के एक का जन्म अगर अनडिवाइडेड इंडिया, एक या दोनों का जन्म अगर अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ हो, तो इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी का इंसान जो पाकिस्तान से इंडिया आया था वो आपका नागरिक बन गया। मगर साथ ही साथ उसको दो इन दोनों में से कोई एक शर्त और पूरी करनी थी। वो दो शर्तें क्या हैं हम लोग देख रहे हैं। पहली वाली, इफ इन केस ही माइग्रेटेड टू इंडिया बिफोर 19 जुलाई 1948 ही हैज बीन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया सिंस द डेट ऑफ हिज माइग्रेशन। अगर 19 जुलाई 1948 की तारीख के पहले पहले वो हिंदुस्तान में माइग्रेट कर आ गया था और उसके बाद से वो लगातार हिंदुस्तान में रह रहा था, तो वो ऑटोमेटिकली जो है जिस दिन आपका संविधान लागू हुआ वो आपका नागरिक बन गया। इसी तरह से अगर वो 19 जुलाई 1948 की तारीख के बाद में हिंदुस्तान में एंटर किया है और उसके बाद में उसने अपने आप को जो है इंडियन सिटीजन के तौर पर रजिस्टर अगर करवा लिया था, प्लस इनमें ये जो सारी की सारी शर्तें अगर वो पूरी करता है तो वो हिंदुस्तान का नागरिक बना। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। बट अ पर्सन कुड बी सो रजिस्टर्ड ओनली इफ ही हैज बीन रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 6 months प्रीसीडिंग द डेट ऑफ हिज एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन। अब अगर आपने ये बोला है कि यहां पर आपका रजिस्ट्रेशन जो हुआ है अगर इंडियन सिटीजन के तौर पर 19 जुलाई 1948 के बाद में आप आए थे तो अब आपको जो है एक नागरिक के तौर पर आपको नागरिकता मिल गई, मगर आपका ये जो इंडियन सिटीजन के तौर पर आपका रजिस्ट्रेशन तभी हो सकता है जब 19 जुलाई 1948 के बाद जब भी आप आए थे उसके बाद से कम से कम 6 महीने से लगातार आप इंडिया में रह रहे थे और उसके बाद में आपने अपना एप्लीकेशन लगाई रजिस्ट्रेशन की। या फिर यूं बोल सकता हूं कि मैं पाकिस्तान से इंडिया आया और इंडिया आने के बाद में मैंने एक दिन अपनी एप्लीकेशन डाली कि भैया मुझे इंडियन सिटीजन के तौर पर रजिस्टर करो। ये एप्लीकेशन करने के पहले के कम से कम 6 महीने, इस एप्लीकेशन जिस दिन की गई है जिस तारीख को उसके पहले के 6 महीने कम से कम लगातार अगर मैं इंडिया में रेसाइड कर रहा हूं तब जो है मैं नागरिक बन गया। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं समझता हूं पेचीदा है, मैं फिर से समझाऊंगा आपको, मगर इसको समझना जरूरी है। भारत का बंटवारा हुआ, बंटवारा होने के बाद आज का भारत जो है वो बनकर तैयार हुआ और पाकिस्तान बना। आज का जो बांग्लादेश है वो कहलाता था पहले ईस्ट पाकिस्तान, जिसको फिर हम लोगों ने 1971 में बांग्लादेश बनवाया, और आज का जो पाकिस्तान बचा हुआ है वो कहलाता था वेस्ट पाकिस्तान। तो एक तरफ आपका ईस्ट पाकिस्तान था, एक आपका वेस्ट पाकिस्तान था। इन दोनों को मिला लोगे अगर हिंदुस्तान में तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो कहलाता था अनडिवाइडेड इंडिया, ठीक है जी, अनडिवाइडेड इंडिया या फिर अखंड भारत। अब इस अनडिवाइडेड इंडिया में से पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान आपके कटकर अलग हो गए। आज की तारीख में वेस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश, आज की तारीख में ईस्ट पाकिस्तान जो है बांग्लादेश बन गया। अब ये लोग ये कह रहे हैं दूसरी कैटेगरी के लोग जो 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक बने वो कौन है। पाकिस्तान और भारत, भारत का बंटवारा होने के बाद में पाकिस्तान बना, पाकिस्तान से शरणार्थी जो हैं वो इंडिया आए, तो वो सारे के सारे शरणार्थी जो हिंदुस्तान आए वो अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई करते थे तो वो भारत के नागरिक बन गए। पहली क्या, या तो उनका खुद का जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ हो। जैसे अगर मैं पाकिस्तान से, चाहे ईस्ट पाकिस्तान से चाहे वेस्ट पाकिस्तान से, अगर हिंदुस्तान में शरणार्थी बनकर आया हूं और मेरा खुद का जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ था, यानी कि वो हिस्सा जो आज की तारीख में पाकिस्तान में है हाल फिलहाल कुछ वक्त के लिए, या फिर वो हिस्सा जो आज की तारीख में बांग्लादेश में हाल फिलहाल कुछ वक्त के लिए, इसको मिला लो, या आज का जो अनडिवाइडेड, आज का जो हिंदुस्तान का जो इलाका है उसको मिला लो, इस पूरे अनडिवाइडेड इंडिया में अगर कहीं पर भी मेरा जन्म हुआ था और मैं शरणार्थी बनकर जो है पाकिस्तान से इंडिया आया हूं, एक, या तो मेरे माता पिता का जो है जन्म इस अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ था और मैं शरणार्थी बनकर हिंदुस्तान आया हूं, दूसरा, या फिर मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मेरे जो दादा दादी हैं, उनका जन्म अगर अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ था और मैं शरणार्थी बनकर आया हूं। तो इस तरीके के जो तीन कैटेगरी के लोग थे इनको भारत की नागरिकता मिल गई 26 जनवरी 1950 के दिन। मगर साथ ही साथ ये बोला गया कि अगर वो इन दोनों में से कोई भी एक शर्त पूरी करते हैं तब ऐसा होगा। मतलब ये कि तुम शरणार्थी बनकर आ गए पाकिस्तान से इंडिया, अच्छी बात है, अब या तो तुम्हारा खुद का जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ या तुम्हारे माता पिता में से किसी एक का जन्म या दोनों का जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ हो, या तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी एक का या दोनों का जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ हो, प्लस अगर तुम 19 जुलाई 1948 के पहले पहले हिंदुस्तान आ गए थे, 19 जुलाई 1948 के पहले पहले हिंदुस्तान आ गए थे और उसके बाद से यहीं रह रहे हो, तब तुम ऑटोमेटिकली नागरिक बन गए। अगर तुम 19 जुलाई 1948 के बाद आए थे और उसके बाद तुमने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया कि भैया मुझे इंडियन सिटीजन के तौर पर रजिस्टर्ड किया जाए और आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, तब जाके जो है आप, तब भी जो है 26 जनवरी 1950 को आप भारत के नागरिक बन गए, मगर रजिस्ट्रेशन की एक शर्त थी। शर्त यह थी कि जिस दिन आपने ये एप्लीकेशन लगाई है कि भैया
मुझे इंडियन सिटीजन के तौर पर रजिस्टर किया जाए, उस दिन के उस एप्लीकेशन लगाने वाले दिन के पहले के जो 6 महीने या फिर जो 180 दिन गए हैं उसमें कम से कम आपको कंटिन्यूसली इंडिया में रहना जरूरी था। अगर ऐसा था और उसके बाद में आपको ये परमानेंट आपको ये सिटीजन के तौर पर रजिस्टर कर लिया गया तो जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ ऑटोमेटिकली आप भारत के नागरिक बन गए। चले तो ये हो गई दूसरी कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी ऑफ पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया आफ्टर March 1, 1947 बट लेटर रिटर्न टू इंडिया फॉर रीसेटलमेंट कुड बिकम एन इंडियन सिटीजन। अब वो लोग जो भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे, ध्यान से सुनिएगा, वो लोग जो भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे, चाहे ईस्ट पाकिस्तान चले गए चाहे वेस्ट पाकिस्तान चले गए, डजंट मैटर, बाद में उनको वहां मजा नहीं आया तो वो छोड़कर फिर हिंदुस्तान वापस आ गए, तो ऐसे लोग जो पहले इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट कर गए थे और फिर बाद में पाकिस्तान से वापस लौटकर इंडिया में आए हैं, 1 मार्च 1947 के बाद, 1 मार्च 1947 के बाद वो माइग्रेट करके चले गए थे। अब पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया आफ्टर 1 मार्च 1947, देश का बंटवारा भी हुआ नहीं था, 1 मार्च 1947 के बाद अगर कोई लड़का या कोई भी व्यक्ति कोई शख्स अगर हिंदुस्तान से पाकिस्तान चला गया, बाद में देश वेश बढ़ गया, उसको वहां पे मजा नहीं आया, जो भी हुआ हो, वहां के लोगों ने जूते मार दिए, जो भी हुआ अल्टीमेटली उसने बोला कि अब मुझे तो वापस हिंदुस्तान जाना है, यूपी बिहार जहां से भी वो आया हो उसने बोला कि नहीं कराची में मजा नहीं आ रहा, ढाका में बंगाली पकड़ पकड़ के मार रहा है, मुझे तो वापस अपने जहां से मैं आया हूं वहीं पे वापस जाना है। तो ऐसा व्यक्ति जो पाकिस्तान माइग्रेट कर गया था इंडिया से 1 मार्च 1947 को, मगर बाद में फिर खुद लौट कर आ गया और रीसेटलमेंट के लिए उसने बोला कि नहीं मुझे तो इंडिया में रहना है, उसको भी भारत के संविधान ने इंडियन सिटीजन माना है, उसको भी भारत के संविधान ने भारत की नागरिकता दी है, मगर उसके लिए एक शर्त ये लगा दी कि तुम्हें फॉर दिस ही हैड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 6 months प्रीसीडिंग द डेट ऑफ हिज एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। मतलब ये कि तुम्हें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा इंडियन सिटीजन के तौर पर और उस रजिस्ट्रेशन के पहले के कम से कम 6 महीने तुम हिंदुस्तान में कंटिन्यूअसली अगर रह रहे हो तब जाके तुम्हें नागरिकता मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। तो तीसरी शर्त की तीसरी कंडीशन किन लोगों के लिए हो गई, वो लड़के या फिर वो लोग जो 1 मार्च 1947 के बाद इंडिया से पाकिस्तान चले गए, वहां जाके फिर उनके साथ में अच्छा हुआ बुरा हुआ जो भी हुआ वो पता नहीं, मगर उसके बाद फिर दौड़े दौड़े हिंदुस्तान वापस लौट कर आ गए और ये बोला कि हमें तो हिंदुस्तान का नागरिक बना लो, हमें पाकिस्तान में नहीं रहना, ऐसे लोगों को भी भारत के संविधान ने नागरिकता दी है, भारत के संविधान ने इंडियन सिटीजन माना है, या उन्होंने बोला है कि ये लोग भी 26 जनवरी 1950 को जो इंडियन सिटीजन हो गए अगर इन्होंने इंडियन सिटीजन के तौर पर अपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह करा लिया था और फिर यहाँ पे भी वही शर्त लगा दी, मगर ये रजिस्ट्रेशन कराने के जिस दिन आपने एप्लीकेशन डाली थी उसके पहले के जो 6 महीने गए हैं या फिर उसके पहले के जो 180 दिन गए हैं उसमें इंडिया में आप ऑर्डिनरीली अगर रिसाइड कर रहे थे तभी या फिर उसमें आप इंडिया में रेसिडेंट थे तभी आपकी एप्लीकेशन रजिस्टर होगी, नहीं तो नहीं होगी। तीसरी कैटेगरी ये हो गई। चौथी कैटेगरी हो गई है पर्सन हु और एनी ऑफ हुज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वर बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया बट हु इज ऑर्डिनरीली रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया शैल बिकम Indian citizen if he has been registered as a citizen of India by the diplomatic or consular representatives of India in the country of his residence whether before or after the commencement of the constitution। ab itna jo fancy angrezi likhi hai iska matlab batata hu, iska matlab ye hai ki ek aisa bhai ek aisa vyakti ek aisa shakhs जो या तो खुद हिंदुस्तान में अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ हो, यानी कि वो हिंदुस्तान जिसका बंटवारा है जिसका पार्टीशन नहीं हुआ था जिसके टुकड़े नहीं किए गए थे, या तो वो खुद हिंदुस्तान उस अनडिवाइडेड इंडिया में जन्मा हो या फिर उसके पेरेंट्स वगैरह या तो दोनों के दोनों या दोनों में से कोई एक अनडिवाइडेड इंडिया में जन्मे हो या फिर उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह थे उनमें से कोई एक या फिर दोनों अनडिवाइडेड इंडिया में जन्मे हो और मगर वो अभी ऑर्डिनरीली अगर बात की जाए तो हिंदुस्तान के बाहर रह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसा शख्स जो या तो खुद अनडिवाइडेड इंडिया में जन्मा हो या फिर एक ऐसा शख्स जिसके माता पिता अनडिवाइडेड इंडिया में जन्मे हो या फिर एक ऐसा शख्स जिसके माता पिता नहीं तो ग्रैंडफादर या जिनके जो ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह हैं वो अगर अनडिवाइडेड इंडिया में जन्मे हो, मगर वो हाल फिलहाल जो है आज का जो इंडिया का मैप है या जो 1950 में जब जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन इंडिया का जब का जो भी मैप था उस इलाके में कहीं पर भी नहीं रह रहा, वो इंडिया से बाहर रह रहा है, ऑर्डिनरीली वो इंडिया से बाहर रिसाइड कर रहा है, मगर उसने अगर अपने आप को जिस भी देश में वो है वहां पर भारत की जो डिप्लोमेटिक या कंसुलर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं भारत का जो फॉरेन ऑफिस वगैरह है वहां पर जाकर अगर उसने अपने आप को इंडियन सिटीजन के तौर पर रजिस्टर करवा लिया है तो उसको भी जो चाहे आपका संविधान लागू होने के पहले करवा लिया हो चाहे संविधान लागू होने के बाद में करवा लिया हो तब जो उसको जो है आपका उसको भी भारत का नागरिक जो है माना जाएगा। बस वही बात यहां पे लिखी हुई है कंसुलर वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की एक ऐसा व्यक्ति जो या तो खुद या जिसके माता पिता या जिसके ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हो मगर ऑर्डिनरीली वो इंडिया से बाहर रह रहा है उसको भी इंडियन सिटीजन
माना जाएगा अगर उसने जिस भी देश में वो है वहां पे इंडिया का जो फॉरेन ऑफिस है, कंसुलर रिप्रेजेंटेटिव है, वहां पर जाकर अगर उसने अपना रिप्रेजेंटेशन करा लिया है, चाहे संविधान लागू होने के पहले करा लिया है, चाहे संविधान लागू होने के बाद में करा लिया है। एग्जाम्पल से समझते हैं, सपोज कर लीजिए मेरा जन्म इंडिया में हुआ था, भारत का पार्टीशन जब नहीं हुआ था मैं उसमें जन्मा था, या मेरे माता पिता उसमें जन्मे थे, या मेरे दादा दादी उसमें जन्मे थे, और अभी जो है संविधान लागू होने वाला है या हो गया, मगर मैं फिलहाल लेट से ऑस्ट्रेलिया बैठा हुआ हूँ। अब मैंने ऑस्ट्रेलिया में जो इंडिया का जो आपका जो ऑफिस वगैरह है, फॉरेन ऑफिस, वहाँ जाके भाई मैंने बोल दिया उन लोगों से कि मुझे जो है इंडिया के नागरिक के तौर पर रजिस्टर कर लो, और एक बार मेरा रजिस्ट्रेशन जब हो गया तो फिर मुझे भी जो है भारत के संविधान ने आपका इंडिया का सिटीजन माना है, भले ही मैं इस वक्त हिंदुस्तान में मौजूद नहीं हूँ। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना है। चले तो एक बार फिर से देख लेते हैं, चार कैटेगरी अपन ने देख के खत्म करी, भारत के संविधान ने क्या बोला, इन चार कैटेगरी के लड़कों में से कोई भी, ये चार कैटेगरी के जो लड़के हैं ये भारत के नागरिक बन जाएंगे जिस दिन भारत का संविधान लागू होगा, यानी कि 26 जनवरी 1950 को। पहले लड़के कौन है, वो जो ऑर्डिनरीली इंडिया में, जो जिनका डोमिसाइल जो है इंडिया में है जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ, और वो इन तीन में से कोई एक शर्त पूरी करते हैं, या तो खुद हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, या उनके माता पिता हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, या कम से कम माता पिता में से दोनों में से कम से कम एक जो है हिंदुस्तान में पैदा हुआ था, दोनों में से कोई एक शर्त पूरी कर दी और डोमिसाइल है इंडिया का तो भारत के नागरिक बन गए, या फिर आप जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ उस दिन आपके पास डोमिसाइल तो था ही था, मगर लागू होने के पहले के जो 5 साल गए 1945 से, कम से कम 5 साल से कंटिन्यूअसली इंडिया में रह रहे ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, तब आप भारत के नागरिक बन गए। पहली कैटेगरी वो लोग जो लुटपिट कर आपका पार्टीशन के बाद में आपके माइग्रेंट वगैरह बनकर हिंदुस्तान आए, वो लोग भी जो है भारत के नागरिक बन गए। शर्त क्या है, आपका या तो खुद का जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ होना चाहिए, यानी कि जो पाकिस्तान बांग्लादेश है सब मिलाकर जो अखंड भारत था उसकी बात कर रहे हैं, या तो आप अनडिवाइडेड इंडिया में खुद पैदा हुए हो और उसके बाद माइग्रेंट बनकर आप यहां पर आ गए शरणार्थी बनकर, या आपके माता पिता का जन्म जो है अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ हो और उसके बाद आप शरणार्थी बनकर आ गए, या आपके दादा दादी का जन्म जो है आपका अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ और उसके बाद आप शरणार्थी बनकर आ गए, तो आप भी नागरिक बन जाएंगे। शर्त इतनी सी है कि अगर आप 1948 के पहले हिंदुस्तान आ गए तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, जिस दिन संविधान लागू हुआ ऑटोमेटिकली आप नागरिक बन गए, और अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आप आए हो हिंदुस्तान तो एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा सिटीजन ऑफ इंडिया के तौर पर, वो रजिस्ट्रेशन जब होगा तो ऑटोमेटिकली आप सिटीजन बन जाओगे। रजिस्ट्रेशन की जो एप्लीकेशन आप डालोगे उसके पहले के कम से कम 6 महीने या फिर 180 दिन आपको हिंदुस्तान में रहना जरूरी है हिंदुस्तान के रेसिडेंट के तौर पर, और उसके बाद आप एप्लीकेशन लगा सकते हो। इसी तरीके से वो लड़के जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान भाग गए थे कि हमें पाकिस्तान जाना है, हमें पाकिस्तान में रहना है, बाद में वहां पे जाके मार पड़ी या जूते पड़े या जो भी हुआ हो, घर की याद आ गई, जो भी बात हुई हो, मगर वो लड़के जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए थे, चाहे आपके पूर्वी पाकिस्तान गए हो चाहे पश्चिमी पाकिस्तान गए हो, और बाद में फिर लौटकर आ गए और ये बोला कि अब हमें पाकिस्तान में भी नहीं रहना जो हमने बनाया था, अब हमें इंडिया में रहना है, तो ऐसे लोगों को भी भारत की जो आपकी भारत का जो संविधान है उसने नागरिकता दी है, मगर इन लोगों को उसके पहले क्या था, इन लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी था आपके इंडिया के रेसिडेंट के, इंडिया के सिटीजन के तौर पर, और ये एप्लीकेशन लगाने के पहले आपका ये जो एप्लीकेशन आपने लगाई है रजिस्ट्रेशन की इंडिया के आपके सिटीजन के तौर पर, उसके पहले के कम से कम 6 महीने हिंदुस्तान में आपको लगातार रहना जरूरी है। और आखिरी वो लोग या फिर वो शख्स जिनका या तो खुद का जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ हो, जिनके माता पिता या तो दोनों में से कोई एक अगर अनडिवाइडेड इंडिया में जन्मे हो, या जिनके ग्रैंड पेरेंट्स या तो दोनों में से कोई एक अनडिवाइडेड इंडिया में जन्मे हो मगर वो अभी ऑर्डिनरीली इंडिया में नहीं रह रहे, इंडिया के बाहर कहीं पर रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड कहीं पर भी हैं, मगर उन्होंने जिस भी देश में वो रह रहे हैं वहां पे इंडिया का जो काउंसुलेट वगैरह है, जो फॉरेन ऑफिस वगैरह है, वहां पर जाकर उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया इंडियन सिटीजन के तौर पर, तो वो लोग भी जो है भारत के नागरिक माने जाएंगे। ये चार कैटेगरी के लड़के जो थे या चार कैटेगरी के जो लोग थे इनको आपने नागरिक माना था। थस दिस प्रोविजन कवर्स द ओवरसी इंडियंस हु मे वॉन्ट टू एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप। तो ये जो आखिरी वाला प्रोविजन था ये बेसिकली ओवरसीज जो सिटीजन थे जो आपका इंडियन सिटीजनशिप लेना चाहते थे भारत का संविधान लागू होने के पहले या बाद में, उनको भी जो है आपने इसमें कवर कर लिया। तो कुल मिला के हम लोग ये बोल सकते हैं कि हम ये जो प्रोविजंस वगैरह हमने अभी भी पढ़ के खत्म किए जो हमारे संविधान में लिखे हुए हैं, वो किन किन लोगों की नागरिकता के साथ में डील करते हैं, वो लोग जो हिंदुस्तान में पहले से रह रहे थे, वो लोग जो हिंदुस्तान में पाकिस्तान से माइग्रेट कर आए, वो लोग जो पहले हिंदुस्तान में रह रहे थे हिंदुस्तान से पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान से फिर लौटकर हिंदुस्तान वापस आए हैं, उन लोगों को इसमें शामिल किया गया है, और चौथा वो लोग जो इंडियन ओरिजिन के हैं, जो मूल रूप से भारतीय हैं मगर अभी हाल फिलहाल हिंदुस्तान के बाहर रह रहे हैं, इन चार कैटेगरी के लोगों के लिए आपने ये प्रावधान वगैरह बनाए थे, इनके तहत में आपने इन लोगों को इनकी नागरिकता वगैरह से रिलेटेड प्रावधान वगैरह भारत के संविधान में डाले गए थे। चलें आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग बात करते हैं इसके अलावा जो दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस वगैरह हैं उसके बारे में। द अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द सिटीजनशिप आर एज फॉलो, मतलब भारत के संविधान में नागरिकता के रिस्पेक्ट में ये जो चार तरीके की कैटेगरी के लोग बताए गए हैं, ये चार तरीके के लड़कों को सिटीजनशिप मिलेगी, इसके इससे रिलेटेड प्रावधान हमने देख लिए। इसके अलावा और भी थोड़े बहुत प्रावधान थे उनके बारे में भी बातचीत करेंगे। तो द अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द सिटीजनशिप आर एज फॉलो, यानी कि नागरिकता से रिलेटेड इसके अलावा ये चार कैटेगरी के लोगों के सिटीजनशिप से किसको मिल रही है, किसको नहीं मिल रही है और क्या शर्तों में मिल रही है। इसके अलावा जो और प्रोविजंस वगैरह हैं वो No person shall be a citizen of India or deemed to be a citizen of India if he has voluntarily acquired the citizenship of any foreign state. यानी कि संविधान क्लियर कट कहता है कि ऐसा कोई इंसान जिसने अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता अगर ले ली है तो फिर वो भारत का नागरिक किसी भी परिस्थिति में, किसी भी circumstances में नहीं माना जाएगा, ना वो हो सकता है ना वो माना जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। No person shall be a citizen of India or deemed to be a citizen of India, कोई भी व्यक्ति ना तो भारत का नागरिक हो सकता है ना इनफैक्ट उसको माना भी जा सकता है, आप उसे अज्यूम तक नहीं कर सकते, जैसे अपन लोग कई बार करते नहीं है कि इक्वेशन में अज्यूम कर लेते हैं कि इसको अपन एक्स मान के चलते हैं, तो इसको आप मान भी नहीं सकते कि ये भारत का नागरिक है, अगर उस ना वो हो सकता है ना उसे माना जा सकता है किसी भी तरीके से, कानूनी रूप से या अदरवाइज भी उसको डीम तरीके से यानी अज्यूम भी नहीं किया जा सकता अगर उसने अपनी मनमर्जी से वॉलंटरीली किसी दूसरे देश की नागरिकता एक्वायर कर ली है, पहली चीज। दूसरी बात, एवरी पर्सन हु इज और डीम टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया शैल कंटिन्यू टू बी सच सिटीजन सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, यानी कि हर वो शख्स जो भारत का नागरिक है वो भारत का नागरिक तब तक वो भारत का नागरिक रहेगा या कंटिन्यू करेगा सब्जेक्टेड टू एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, यानी कि भारत के संसद के द्वारा जो कानून वगैरह बनाए गए हैं उसकी शर्तों के अनुसार वो अपनी नागरिकता वगैरह जो है एंजॉय करेगा। अगर भारत की संसद कल डिसाइड करती है कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में रहने वाले कुछ लोग जो कल तक भारत के नागरिक थे आज से भारत के नागरिक नहीं है, तो कानून बनते ही जो है फिर वो भारत के नागरिक नहीं बचेंगे। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा, भारत की संसद चाहे तो किसी को नागरिकता दे भी सकती है, किसी की नागरिकता छीन भी सकती है। यहां से एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अपने को निकल कर आ रहा है, एवरी पर्सन हु इज और डीम्ड टू बी, यानी कि हर वो व्यक्ति जो या तो भारत का नागरिक एक्चुअल में है या उसको डीम किया गया है, माना गया है, वो भारत का नागरिक तब तक ही रहेगा जब तक वो भारत के पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए आपके सिटीजनशिप से रिलेटेड कानून वगैरह या अदर कानून वगैरह जिसका सिटीजनशिप से कोई लेना देना है उसके प्रावधानों को अगर वो सेटिस्फाई करता है तब तक ही जो है वो भारत का नागरिक रहेगा, अन्यथा वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। कल को अगर संसद ने डिसाइड कर लिया कुछ लोगों को नहीं रखना भारत का नागरिक, वो कानून पास कर दिया तो खत्म उनकी नागरिकता। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। हालांकि ऐसा हो नहीं सकता, ऑब्वियसली बात है, सुप्रीम कोर्ट वगैरह चले जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में शटडाउन हो जाएगा। पॉइंट यह है, संसद के पास में पावर है कि वो किसी को चाहे तो सिटीजनशिप दे सकती है, किसी का चाहे तो छीन सकती है कानून वगैरह बना के। तीसरा, द पार्लियामेंट शैल हैव द पावर टू मेक एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप एंड ऑल अदर मैटर्स रिलेटेड टू द सिटीजनशिप। वही बात की जो यहां पर कही गई है कि आप किसी कोई व्यक्ति या कोई लोगों का समूह, एनी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन जो या तो नागरिक है या इसको मान लिया गया है भारत का नागरिक, वो तभी तक रहेगा जब तक वो कोई कानून वगैरह जो पार्लियामेंट का पास किया गया है उसके प्रोविजंस के अनुसार वो शर्तों को पूरी करता है। अगर कोई कानून ऐसा बना दिया गया जिसके अनुसार वो शर्तें पूरी नहीं करता तो फिर वो नागरिक नहीं रहेगा। इसी बात को और क्लियर कर लिख दिया गया तीसरे पॉइंट में कि पार्लियामेंट के पास में ये ताकत है कि भारत के कि नागरिकता को लेना है अगर किसी को, या भारत की नागरिकता को किसी को छोड़ना है, या भारत की नागरिकता किसी की खत्म करनी है, टर्मिनेट करनी है, इसके रिस्पेक्ट में जो भी कानून वगैरह बनाने हैं, और इसके अलावा नागरिकता से रिलेटेड अगर कोई और मसला आता है और उसके ऊपर भी कानून वगैरह बनाने हैं, तो वो सारी की सारी कानून बनाने की पावर भारत की पार्लियामेंट के पास में या भारत की संसद के पास में। बहुत बहुत और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रहना चाहिए। तो याद रखिएगा इस बात को, भारत के कि भारत में नागरिकता किसको देनी है, किसकी लेनी है और किसकी टर्मिनेट कर देनी है, यानी कि किसकी खत्म कर देनी है, या फिर अगर कोई खुद अपनी मर्जी से अगर छोड़ना चाहता है इसके, या इस सब से रिलेटेड या फिर इसके अलावा नागरिकता से रिलेटेड अगर कोई भी और प्रावधान वगैरह बनाना है, वो बनाने की पावर किसके पास में है, वो बनाने की पावर भारत की संसद के पास में है। इसके अलावा भारत में कोई और इसके लिए कानून नहीं बना सकता। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि कल को एक फलाने फलाने राज्य की विधानसभा ने नागरिकता से रिलेटेड एक कानून पास कर दिया कि हम लोग अपने देश में जो है इन इन लोगों को भी नागरिकता दे सकते हैं, तो क्या उनका कानून लागू होगा? नहीं होगा। वजह यह है कि नागरिकता से रिलेटेड कानून बनाने की पावर सिर्फ भारत की संसद के पास में है, कोई स्टेट का की जो लेजिस्लेचर है वो इस तरीके का कानून नहीं बना सकती। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
तो यहाँ यहाँ तक अपन लोगों ने जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस वगैरह हैं वो पढ़कर खत्म किए हैं। अब ये जितनी बातचीत अपन लोगों ने की है इसमें से कितने सवाल बन सकते हैं वो हम लोग देख लेते हैं, कितने क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पे बनकर तैयार होते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि भारत की जो सिटीजनशिप है उसका जिक्र आपको भारत के संविधान के कौन से पार्ट में देखने के लिए मिलता है और कौन से लेके कौन से आर्टिकल में देखने के लिए मिलता है। तो इसका जवाब बनेगा भारत की सिटीजनशिप के रिस्पेक्ट में भारत के संविधान में पार्ट 2 आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 में बात की गई है। घुमा के पूछा जा सकता है कि पार्ट 2 में किस बात को लेकर डील किया गया है, तो ये याद रखना पड़ेगा पार्ट 2 में डील किया गया है सिटीजनशिप को। चलिए यहीं से एक सवाल और कि पार्ट 1 में किसको लेकर डील किया गया है, यूनियन और उसकी टेरिटरी। पार्ट 1 यूनियन और उसकी टेरिटरी, पार्ट 2 सिटीजनशिप। तो एक तो क्वेश्चन ये बना, दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि भारत के संविधान ने सिटीजनशिप से रिलेटेड जो भी आपके प्रावधान या जो भी चीजें वगैरह हैं इसके ऊपर कानून बनाने की ताकत किसको दी है। तो याद रखिएगा सिर्फ भारत की संसद को दी है। घुमा के पूछता हूं इस सवाल को कि भारत की संसद, भारत में भारत की संसद और भारत के जो राज्य की अलग अलग विधानसभाएं हैं वो सिटीजनशिप से रिलेटेड कानून बना सकती हैं। क्या यह स्टेटमेंट सही है, हाँ या ना? जवाब हो जाएगा बिल्कुल गलत है, यह सही नहीं है। क्यों? भारत में आपकी जो नागरिकता वगैरह है उससे रिलेटेड कानून बनाने की ताकत संविधान ने सिर्फ संसद को दी है, स्टेट लेजिस्लेचर्स या राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनके पास में इस तरीके की कोई ताकत नहीं होती। तो अगर इतना लिखूंगा कि भारत में सिर्फ आप पार्लियामेंट, भारत में सिटीजनशिप से रिलेटेड कानून बनाने की पावर सिर्फ आपकी संसद के पास में, तब तो सही है। मगर यह बोल दिया कि संसद भी बना सकती है और राज्यों की विधानसभाएं भी बना सकती हैं, तब यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा भारत में पार्लियामेंट, संविधान ने सिर्फ आपकी पार्लियामेंट या संसद को यह पावर दी है कि वो सिटीजनशिप से रिलेटेड किसी भी मैटर वगैरह पे कानून बना सकता है। अकॉर्डिंगली हम लोग ये पूछ, एक सवाल यहां से और बनता है कि पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 क्यों पास किया है। इसका जवाब क्या हो जाएगा, क्योंकि पार्लियामेंट के पास में सिटीजनशिप से रिलेटेड कानून बनाने की पावर है, उसके इसका जो उसको संविधान से मिली है इसका इस्तेमाल करते उसने उसने सिटीजनशिप एक्ट 1955 पास किया। चल अगला देखते हैं। अब यहां से जो क्वेश्चन, यहां से तो भर भर के सवाल बनते हैं कि 26 जनवरी 1950 को कौन कौन जो है भारत के नागरिक बने और कौन कौन भारत के नागरिक नहीं बने। तो ये शर्तें वगैरह जो हैं इसके अनुसार आपसे एक सवाल यहां से बनेगा। एक सवाल तो ये बन सकता है कि 26 जनवरी 1950 को जिस दिन संविधान लागू हुआ तो कितनी कैटेगरी के लोग जो है भारत के नागरिक बने। याद रखना है 4 कैटेगरी के लोग। अब हर एक कैटेगरी से 10-10 सवाल बनते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। डोमिसाइल का मतलब क्या होता है वो पूछा जा सकता है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट का मतलब पूछा जा सकता है। यह पूछा जा सकता है कि 26 जनवरी 1950 को वो व्यक्ति जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट था मगर जिसका ना तो खुद का जन्म भारत में हुआ था ना जिसके माता पिता या बाप दादा कोई भी जो है भारत में जन्मे थे, वो भारत का नागरिक किस शर्त में बनेगा। उसके और ऑप्शंस में अगर आपको आता है कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट अगर 10 साल से था, ऑर्डिनरी रेसिडेंट अगर 3 साल से था, 2 साल से था, 7 साल से था, मिनिमम तो आपको याद रखना है ऑर्डिनरी रेसिडेंट कम से कम अगर 5 साल या उससे ज्यादा का है तब जो है वो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। एक सवाल यह बनकर तैयार होता है। इसके अलावा फिर ये कि भारत में जो लोग माइग्रेट कर आए उनमें कौन कौन जो भारत में जो लोग माइग्रेट कर आए वो और उनको जो नागरिकता वगैरह दी गई तो उनकी क्या शर्तें वगैरह थी और उनको किन शर्तों के तहत में बनाया गया। जो भारत से माइग्रेट कर पाकिस्तान चले गए और फिर लौट कर आ गए उन लोगों को नागरिकता देने की क्या शर्तें थी, और जो ऑर्डिनरीली बाहर रिसाइड कर रहे थे मगर नागरिक बनना चाहते थे उनकी क्या शर्तें थी, उसके ऊपर कानून वगैरह उसके ऊपर। तो एक सवाल यह भी बन सकता है कि वो जो 4 प्रावधान थे या 4 कैटेगरीज जिनके लोगों को आपने नागरिकता दी है उनके नाम बताओ या उनकी कैटेगरीज वगैरह बताओ। तो ये चारों के नाम, ये जो 4 कैटेगरीज हैं वो भी आपको ध्यान रखना, एक सवाल ये बनता है यहां से। इसके अलावा ये क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली अपनी मर्जी से, अगर किसी व्यक्ति ने, किसी हिंदुस्तानी व्यक्ति ने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप का क्या होगा। जवाब है ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, वो जो खत्म टाटा बाय बाय का मीम जो चलता है, आपने मतलब ये ऑन ऑफ की तरह है, जैसे लाइट आपने बटन दबाई लाइट चालू हो गई, बटन बंद करी लाइट बंद हो गई। आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता ली, खटाक इंडियन सिटीजनशिप खत्म टाटा बाय बाय, उसके बाद में इंडियन सिटीजनशिप नहीं बची आपके पास में, पहली चीज। दूसरी ये कि आपका सिटीजनशिप से अगर किसी को नागरिकता देनी है, किसी की छीननी है, उसमें कुछ बदलाव करना है, शर्तें वर्तें बदलनी है, उसकी ताकत किसके पास में, पार्लियामेंट के पास में। और तीसरा ये कि अगर आपका नागरिकता देने से रिलेटेड, नागरिकता टर्मिनेट करने से रिलेटेड या फिर नागरिकता छोड़ने से रिलेटेड अगर कोई प्रावधान वगैरह बनाना है उसकी पावर किसके पास में, जवाब फिर से वही निकल कर आता है भारत की संसद के पास में। चलें आगे बढ़ते हैं, इतने क्वेश्चंस वगैरह जो है यहाँ से मगर बनकर अपने तैयार होते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टूडेज सेशन। आज का जो सेशन था इसमें हम लोगों ने सिटीजनशिप या नागरिकता से रिलेटेड जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस वगैरह थे वो सारे के सारे देखकर खत्म किए हैं।
नेक्स्ट जो अपना सेशन रहेगा उसमें हम लोग सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में बात करेंगे, जिसको पार्लियामेंट ने संविधान के द्वारा दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पारित किया था और जिसमें वक्त वक्त पर आपके अमेंडमेंट्स वगैरह होते रहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जब सेशन में मिलेंगे तो उस पर्टिकुलर एक्ट के बारे में बातचीत करेंगे, मगर वो सारी की सारी बातें अगले सेशन के लिए। आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। तो समाप्त करने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि मैग्नेट ब्रेन्स पर कभी ऐसा नहीं होता कि आपसे ये बोला जाए कि भाई हमारा कोर्स वगैरह खरीदने के लिए आपको कुछ फीस देना पड़ेगी, या फिर उस पर ये बोलें कि ये फीस में ये कूपन कोड लगा देना तो आपकी फीस इतनी कम हो जाएगी और उससे फिर आपको ये सिर्फ इतने इतने रुपये में पड़ जाएगा। हम लोग इस तरीके की बातें नहीं करते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपसे ये कहता है कि आप हमारा सारा का सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट, सारे के सारे कोर्सेज एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट वॉच कर सकते हैं, 100% फ्री आप इसे देख सकते हैं, इसके लिए आपको एक भी पैसा पे करने की जरूरत नहीं है। अब अगला सवाल जो उठेगा कि ये सारा का सारा कंटेंट आप एक्सेस कैसे कर सकते हैं, उसका जवाब यह है, ये सारा कंटेंट एक्सेस करने के तीन तरीके हैं। या तो आप इसको हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या फिर आप इसे हमारी मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, और तीसरा आप मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर भी ये सारे के सारे कंटेंट को आप देख सकते हैं, इसे कंज्यूम कर सकते हैं। ये आपके मोबाइल पर भी चल जाएगा, ये आपके पीसी पर भी एक्सेस हो जाएगा, ये आपके टैबलेट पर भी चल जाएगा, ये आपके लैपटॉप पर भी चल जाएगा, पर्सनल कंप्यूटर्स पर भी चल जाएगा, हर जगह पर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो जितना हो सके उतना इसका फ़ायदा उठाएं, जितना हो सके उतना ज़्यादा इससे बेनिफिट लें। मैग्नेट ब्रेन्स ने एक इनिशिएटिव उठाया है फ्री एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन हिंदुस्तान के, इनफैक्ट दुनिया के हर एक बच्चे तक पहुँचाने का, घर घर तक जो है क्वालिटी एजुकेशन पहुँचाने की हमने मुहिम की अलग जगाई है। इसलिए यहाँ पर आपको वेरियस तरीके के कोर्सेज वगैरह, वेरियस तरीके के क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट, वेरियस तरीके के सब्जेक्ट्स वगैरह और काफ़ी सारी चीज़ें और कंटेंट वगैरह आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको CBSE इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम क्लास 1 से लेके किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक सारा का सारा कंटेंट एक्सेस करने के लिए अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड या किसी दूसरे स्टेट बोर्ड से हैं उसका भी कंटेंट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा NTSC की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं, ओलंपियाड के लिए पढ़ रहे हैं, CVT का सपना अगर आपका है, IIT JEE के बारे में सोच रहे हैं, नीट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसका भी सारा का सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट आपको यहाँ पर एक्सेस करवाया जाता है, आपको एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। इन कोर्सेज वगैरह की तैयारी के लिए लोग कोचिंग्स में जाके लाखों रुपए खर्च करते हैं, कई लोग कोटा जाके रहते हैं, रहने खाने का खर्चा अलग होता है, फैमिली से दूर रहना पड़ता है, कई सारी दूसरी प्रॉब्लम्स आती हैं, इन सब से आप बच सकते हैं आप इन सारे कोर्सेज वगैरह को एक्सेस करके। इसके अलावा वेरियस आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस वगैरह हैं उसका भी कंटेंट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है, SSC हो, बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, RRB हो, UPSC हो, JAIIB हो या फिर CAIIB हो, इन सब का कंटेंट भी आपको देखने के लिए मिलता है। कई बार ग्रामीण परिवेश के बच्चे, छोटे शहरों के बच्चे या जनरली इंग्लिश वगैरह में उतने अगर अच्छे नहीं होते, या इन जनरल भी अगर कोई बच्चा अगर इंग्लिश में अच्छा नहीं है, तो उसके लिए स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल हैं, जिससे आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स, कम्प्रीहेंशन स्किल्स सुधार सकते हैं, ग्रामर वगैरह इंप्रूव कर सकते हैं, और ये जो एक कमी है इसको आप दूर करके बाकी सारे जो बच्चे हैं उनके साथ में एकदम बराबरी से आप टक्कर में आ सकते हैं। तो जितना भी आपकी एग्जाम रिलेटेड जिस भी लेवल पर आप हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है, मैग्नेट ब्रेन्स ने बकायदा उनका पूरा ध्यान रखा है, सारा का सारा कोर्स आपके लिए डिस्पोजल पर मौजूद है एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जिसका जितना हो सके उतना ज़्यादा फायदा उठाएं, जितना हो सके उतना ज़्यादा बेनिफिट लें। इसके अलावा दूसरे लोग जिनको आपको लगता है मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में उनको नहीं पता है मगर उन्हें ज़रूरत है, उन तक भी इसको पहुँचाएं और ज्ञान शेयर करने की जो हमने अलग जला रखी है, इसमें आप भी अपना योगदान दें। इसके अलावा अगर आप हमें अपनी तरफ से कोई फीडबैक देना चाहते हैं, आपकी अपनी कोई और डिमांड है, तो आप हमसे कई सारे हमारे सोशल मीडिया के वेरियस प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप यूट्यूब में हमारे वीडियोस में कमेंट डाल सकते हैं, आप फेसबुक के हमारे पेज पर जाकर हमें कमेंट्स वगैरह कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पर हमसे जुड़ सकते हैं, आप ट्विटर पर हमसे जुड़ सकते हैं, आप टेलीग्राम के हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपने फीडबैक्स पूछ सकते हैं, डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं, कोई और इश्यूज़ हैं आपके, कोई और डिमांड्स हैं, कोई और कोर्स आप चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा आपके साथ खड़ा है, मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा आपके साथ प्रतिबद्धता के साथ ही इंश्योरिटी आपको देता है कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे कितने भी पेंडेमिक आ जाएं, किसी भी तरीके की सर्कमस्टांसेस आ जाएं, मैग्नेट ब्रेन्स अब तक क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट लाना नहीं छोड़ेगा। बस आपसे इतनी ही गुजारिश है, इतनी इल्तिजा है कि इसका फ़ायदा उठाएं, मेहनत करते रहें, तरक्की के पथ पर आगे चलते रहें और रुके नहीं, झुके नहीं, बस कर्म करते चले जाएँ, फल आपको ईश्वर ज़रूर देगा। इसी नोट पर कॉलिंग इट द डे एंड कंक्लूडिंग द सेशन, अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, हंसते मुस्कुराते रहें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहें मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।